खबर जनपद पंचायत चितरंगी अध्यक्ष सिया दुलारी एवं उपाध्यक्ष कौशल प्रताप सिंह तथा कई जनपद सदस्य व मुख्य कार्यपालिक अधिकारी चितरंगी हर्षंद त्रिवेदी एवं पंचायत इंस्पेक्टर रामजी शर्मा बता दें कि निवेदा में आवेदन करने वाले लोग भी उपस्थित। निवेदा खोली गई है जिसमें कई तरह की व्यवस्थाएं भी की गई है। न्यूनतम दर पर होने के लिए बता दें कि ज्योतिमा ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष शिवेंद्र धर त्रिवेदी द्वारा ही स्वीकार किया गया। वहीं बता दें कि निर्णय लिया जाकर निवेदा ज्योतिमा ग्राम विकास समिति को सौंपी गई है। निकाह और विवाह योजना के तहत किसी भी तरह से लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े जिसके लिए भी चर्चा की गई। प्राइमरी न्यूज शहरी के लिए विनोद विश्वकर्मा चितरंगी मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सामुदायिक कन्या विवाह निकाह योजना के तहत जनपद पंचायत चितरंगी अंतर्गत निविदा जारी की गई थी और जो निविदा जारी की गई थी उसका आज अंतरिम निर्णय लिया गया। जी सर, आप बताएं कि जो निविदा जारी की गई थी ये किसको चयनित की गई? देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय है तो इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15/5/2023 से 25/5/2023 तक निविदा प्राप्त करने हेतु तो विज्ञापन जारी किया गया था। प्राप्त निविदा आज माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय तथा समिति व निविदाकारों के समक्ष खोली गई, जिसमें लंच पैकेट है तो कुल 5 निविदाकारों ने आवेदन प्रस्तुत किया जी। ज्योतिमा ग्राम विकास समिति फुलकेस की सबसे कम दर होने के कारण उनकी निविदा स्वीकार की गई जी। और टेंट हाउस के लिए कुल 6 निविदा प्राप्त हुई जी, जिसमें ज्योतिमा ग्राम समिति द्वारा सबसे कम दर डालने से उनकी निविदा स्वीकार की गई जी। और ये कार्यक्रम कब कराया जाएगा सर? ये कार्यक्रम 29 मई को हमारा चालू होगा कन्या विवाह निकाह का। अरे, भोजन लंच पैकेट वगैरह कब से वितरित होना शुरू हो जाएगा, कितने बजे से? ये लंच पैकेट 10 बजे से हम वितरण जारी कर देंगे जी, जिससे सभी लोग 5 बजे तक में अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। जैसा कि आपने देखा कि पंचायत इंस्पेक्टर रामजी शर्मा द्वारा बताया गया पंचायत निविदा के बारे में, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व कन्या विवाह निविदा के बारे में बताया गया। तब तक बने रहिए अगले ब्रेक के लिए हमारे साथ, धन्यवाद।